वेलकम गाइस माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज मेरे पास है मिनी एनिवेटर जो पूजा के नाम से है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये लो बता रहा है यानी कि ओवरलोड बता रहा है। तो ये ओवरलोड की प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इसके निकालने की कोशिश करते हैं अपन, और कैसे निकालते हैं वो भी मैं आज इसमें बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए मेरे पास दो इन्वेटर है तो दोनों को टेस्ट करते हैं। एक में बता रहा लो और एक इन्वेटर है दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल नहीं चल रहा है। जिसका कुछ पार्ट्स इसमें निकालेंगे, लो बता रहा है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे कुछ पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो में आप नहीं आए हो और हमारे चैनल पे भी अगर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जल्दी से जो ओपन कर लेते हैं उसके बाद इसमें देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है, कौन सा पार्ट्स इसका जल रहा है, कौन सा नहीं जल रहा है, और आपको कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया है, कुछ इस प्रकार आपको भी ओपन कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे एक जो डायोड लगा हुआ रहता है चिप टाइप में, तो इसमें नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसने किसी पे कहीं पे इसने इस बंदे ने इसको खुलवा लिया था तो क्या हुआ, उस चिप को हटा दी गई है जो ये चिप आपको दिखाई दे रही है। तो ये इसमें दूसरे वाले से निकाल के अपन इसमें डालेंगे, ये वाली जो ये सिंबल दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाली इसमें डालेंगे। चलिए ऐसे निकाल लेते हैं और इसमें डालते हैं। तो मेरे पास एक खराब पड़ा हुआ था, उसमें से मैंने इसमें से निकाल ली है, तो मैं निकाल लेता हूँ और इसमें इसको डाल देंगे। तो अच्छे से आपको इसको निकाल लेना है, जैसे कि मैंने ये निकाल ली है और देख सकते हो कुछ इस प्रकार की है। और उसके साइड में रख देते हैं और चिप को लेते हैं और इसका जो मदरबोर्ड है इसे ओपन करते हैं, इसके पाइप पिन से हटा लेते हैं सॉकेट से दोनों वायर को, और ये स्क्रू को जल्दी से खोल लेते हैं। तो मैंने स्क्रू खोल लिया है और अच्छे से कुछ जहाँ छूटा हुआ है कोई टाँका तो वहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, और फिर इसको लगाते हैं अपन जहाँ से निकल ली थी वहाँ पर। देखते हो मैंने याद ले ली है और अच्छे से इसे एडजस्ट कर लेना है और फिर इसको अच्छे से लगा लेना है, अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है। देखते हो मैंने लगा लिया है, अब अच्छे से इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। आपको अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ सोल्डिंग। और जैसे मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आपसे मोटिवेट मिलता है मुझे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो तो मुझे पता लगे कि भाई लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो मैंने लगा दिया है और मैं इसको मदरबोर्ड को भी मैंने कस दिया है कम्प्लीटली। चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं कुछ। तो मैं स्क्रू ढीला है तो इसका कस लेता हूँ उससे पहले। जैसे कि दोस्तों मैंने स्क्रू टाइट कर लिया हूँ तो मैं कर लेता हूँ, और इसे आपको स्क्रू टाइट कर लेने हैं। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं और क्या रिजल्ट आता है ये डालने के बाद। तो दोस्तों देख सकते हो ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, इसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बैटरी लो है इसलिए नहीं चल रहा है दोस्तों ये, इसकी बैटरी चेंज करते हैं फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों तो ये बैटरी क्या ठंडी हो गई थी बिल्कुल, ये चार्ज नहीं हो पा रही थी, तो मैंने बैटरी ले आया हूँ मैं गलती से। तो चलिए दूसरी बैटरी लेता हूँ मैं और टेस्टिंग करता हूँ इसकी। यार क्या हो रहा है, चलो मेरे को पता तो चली गया किसकी बैटरी ठंडी है। चलिए दूसरी बैटरी लेके आता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं गया हूँ, बैटरी पड़ी हुई यहाँ पे, मैं यहाँ से लेके आता हूँ ये बैटरी जो मेरे हाथ में आपको दिख रही है। ओ कम्प्लीटली चार्ज है दोस्तों, देख सकते हो अब चिंगारी चल रही है। चलिए इसको लगा के टेस्टिंग करते हैं क्या रिजल्ट आता है दोस्तों। प्लस को प्लस और माइनस में माइनस लगा लेते हैं और देख सकते हो दोस्तों ये कंप्लीट चल गई है दोस्तों। सॉरी यार नहीं चल पाई है, फिर भी लो का सिग्नल दे रही है, देखते हैं कुछ और मिस्टेक है क्या नहीं इसमें। ये बहुत हीट हो रही है दोस्तों, मैंने जो आईसी डाली इसमें
तो दोस्तों इसका कुछ डायोड है जो वो हीट हो रहा है, मेरे को लगता है वो ख़राब है, तो दोस्तों उससे मैं हल्का सा एक साइड से काट लेता हूँ और उसको एक्सचेंज करके देखते हैं उससे क्या होता है। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने ये दूसरा लगा लिया, इसमें कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है, तो मैंने कुछ इस प्रकार लगा दिया है, माइनस को माइनस की तरफ और प्लस को प्लस की तरफ में। चलिए वो तो मैंने लगा लिया है, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। देख सकते हो दोस्तों कम्प्लीटली चल गया है और मैं आपको बल्ब चला के दिखाता हूँ इसमें। तो दोस्तों बल्ब किधर है, मेरा यहाँ पड़ा हुआ ये पर लटका रखा है मैंने, तो देख सकते हो मैंने ले लिया है और इसका जो प्लस माइनस जो भी आप कुछ भी लगा सकते हो, मैंने जैसे ही लगाया इसमें और मैं अब ऑन करता हूँ इसे, तो देख सकते हो कम्प्लीटली। आप अगर वीडियो छोड़ के जा रहे हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।